क्या बात है, आज तो सर बाहर ही खड़े। नमस्ते सर, पाए लगो। ठीक है बेटा, तू आज इतना लेट कैसे हो गया बेटा? सर रूम पर खाना वाना बनाया और आज मेरी बाइक भी खराब हो गई, इसलिए मैं चल के आया सर, लेट हो गया, सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ तो सर बताइए, आज कौन सा काम करना है? बेटा वो ज्वेलरी वाला दुकान वाला है ना, वो बहुत दिन से हमारे काम में टांग अड़ा रहा है और परेशान कर रहा है, उसको सबक सिखाना। ठीक है सर, मैं भी बता के आता हूँ उसको। बेटा तेरे पास गाड़ी नहीं है, तू मेरी कार लेके जा बेटा। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। सर ने यहाँ पर अपनी प्यारी सी कार मेरे को दे दी है, जो इनकी फेवरेट कार है, और ये कार जितनी दिखने में अच्छी उतनी चलने में भी अच्छी है। और अभी हमको जाके वहाँ पे उस बंदे को समझाना है, अगर बात से समझ जाए तो अच्छा। वैसे तो वो बंदा बात से समझेगा नहीं, क्योंकि वो बंदा बहुत ही खराब है, मैंने उस बंदे को अच्छे से देखा हुआ है। और आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और 1K सब्सक्राइबर के बहुत करीब है हम लोग, तो करा देना। तो अपन आधा घंटा कार चलाने के बाद पहुंच के उस बंदे के दुकान के सामने वाली गली में, तो वो खतरनाक गुंडा यहीं पे रहता है, उसको अपन उधर के बात समझा देते हैं अच्छे से। भाई लोग, ये बंदा तो सामने ही खड़ा है और इसे देख के मेरे को डर भी लग रहा है। अरे गांव का गरीब, आज तू मरेगा मेरे हाथ से, तुम ऐसी दुकान नहीं हटाओगे। अरे भाई साहब अपन बैठ के बात करते, ऐसे लड़ाई मत करो भाई साहब, प्लीज मारो मत भाई साहब। लड़ाई तो नहीं, आज तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं। तो भाई लोग, ये अंकल तो हमारी बात मानने को तैयार है नहीं, इनका इलाज अब करना ही पड़ेगा। उन भाई साहब को तो हमने अच्छे से समझा दिया, तो अभी हम जा रहे हैं हम सेठ जी के बड़े वाले लड़के के पास। जी भैया, पाए लगो। नमस्ते, कैसे हो? अरे अच्छा हूँ यार, तू इतना लेट कैसे हो गया? अरे भैया क्या बताओ, मेरी वो खटारा बाइक खराब हो गई, इसलिए मैं चल के आया, इसलिए आज लेट हो गया। अच्छा ठीक है, मैं मेरे दोस्तों को कुछ सामान देना है, तू उनको सामान दे के आ जा, मैं तेरे को लोकेशन भेज देता हूँ, और तू मेरी कार ले जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, अगर तूने पहुंचा दिया ये कार मैं तेरे को दे दूंगा। सही में भैया, क्या बात कर रहा हूँ, मैं अभी जाके सबको आपका सामान दे के आता हूँ। तो भैया ने हमको बोला ये कार पूरी पूरी तैयारी हो जाएगी अगर तूने मेरा काम कम्प्लीट कर दिया तो, और ऐसी सुपर कार मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है, मेरी लाइफ में फर्स्ट बार चला रहा हूँ मैं। तो आप मेरे को भैया का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और उन दोस्तों को सामान दे देना है जल्दी से, तो मैं चलता हूँ यहाँ से। और ये गाड़ी क्या ही पावर दिखा रही है, अपना 100 की स्पीड में जा रही है यहाँ से। और ये सुपर कार है, इसलिए अपन थोड़ा सा ड्रिप वगैरह मार लेते हैं इस कार के साथ। यहाँ पे भैया के दोस्त का घर आ गया, तो अपन यहाँ पे सामान दे देते फटाफट से। हेलो दीदी, कैसे हो? मैं सामान देने आया था, ये लो अपना सामान, और ठीक है मैं जा रहा हूँ। दीदी को सामान देने के बाद अपन निकल चुके दूसरे दोस्त के और यहाँ पे अपन को सामान देना है जल्दी से, और यहाँ देने के बाद अपनी कार पूरी पूरी अपनी हो जाएगी। तो अपन ने इन भैया को भी सामान दे दिया और इन भैया को अपने सामान देने के बाद अपन चलते घर, और ये कार आप देख सकते हो पूरी पूरी अपनी हो चुकी है, और रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, इसलिए कार हमारी पूरी पूरी टूट चुकी है, लेकिन अपन गैराज पे रिपेयरिंग करा देंगे और भैया को जाके थैंक यू बोल देते एक बार। तो बाय बाय, चलो मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।